ग्राम पंचायत मीटिंग का एहतमाम कैसे करें? किसी भी गांव की वोटर लिस्ट में दर्ज अफराद को इज्तिमाई तौर पर ग्राम सभा का मेंबर कहा जाता है। ग्राम सभा की आबादी 200 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। गांव के सरबराह को ग्राम सभा की मीटिंग बुलाने के हक है और किसी भी वक्त एक आम मीटिंग का एहतमाम भी कर सकता है। ग्राम सभा की मीटिंग साल में 2 बार जरूरी है। अराकिन को ग्राम सभा के इजलास की इत्तला 15 दिन पहले देनी होती है। जिला पंचायत राज अफसर या इलाका पंचायत या ग्राम सभा के अराकिन के मुतालबे पर प्रधान 30 दिनों के अंदर मीटिंग तलब कर सकता है। अगर गांव का सरबराह इजलास तलब नहीं करता है तो मीटिंग उस तारीख के 60 दिनों के बाद मुनाकिद की जाएगी जिस दिन सरबराह को मीटिंग बुलाने को कहा गया था। ग्राम सभा की मीटिंग के लिए कुल मेंबरान की तादाद के 5वें हिस्से की मौजूदगी जरूरी है। अगर मेंबरान की मुकर्रर तादाद मौजूद नहीं है तो इसके लिए मीटिंग दोबारा मुनाकिद की जा सकती है। ग्राम पंचायत के इजलास का इनेकाद। ग्राम पंचायत इजलास के इनेकाद के तरक्की कार दर्जा ज़ेल हैं। अपने कामों को अमल में लाने के लिए ग्राम पंचायत की इजलास 2 माह में कम से कम 1 बार ग्राम पंचायत के दफ्तर में मुनाकिद करना जरूरी है। मुखिया जब भी मुनासिब समझे या जब ग्राम पंचायत के कुल अराकिन की 1/3 से कम तादाद की तरफ से तहरीरी दरख्वास्त हो तो इसे 15 दिनों के अंदर ग्राम पंचायत की खुसूसी मीटिंग बुलाना जरूरी होता है। आम इजलास के लिए 7 दिनों का नोटिस दरकार है और खुसूसी इजलास के लिए 3 दिन का नोटिस दरकार है जिसमें मीटिंग की जगह तारीख और वक्त मीटिंग में निपटाए जाने वाले कारोबार की फहरिस्त शामिल होगी। ग्राम पंचायत सेक्रेटरी मेंबरान को ग्राम पंचायत के कामों की एक फहरिस्त सरकारी अफसरान को देगा और इसे ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाएगा। जिन अहलकारों को नोटिस दिया जाता है और जिस इलाके में मीटिंग होती है वहाँ के सरकारी अफसरों को मीटिंग में शिरकत का हक हासिल होता है। इसके साथ ही इस इलाके के किसी भी हिस्से पर दायरा इख्तियार रखने वाले दीगर सरकारी अफसरान को भी ग्राम पंचायत की हर मीटिंग और इसकी कार्रवाई में हिस्सा लेने का हक हासिल है लेकिन उन्हें वोट देने का हक नहीं है। मुखिया अगर ग्राम पंचायत के मेंबरान की दरख्वास्त पर खुसूसी मीटिंग नहीं बुला पाते हैं तो नायब मुखिया या इसकी गैर मौजूदगी में ग्राम पंचायत के सभी मेंबरान मीटिंग बुला सकते हैं। ग्राम पंचायत सेक्रेटरी मुखिया और नायब मुखिया के जरिए दिए गए मीटिंग नोट्स के इत्तला मेंबरान को दे और मीटिंग बुलाने के लिए जरूरी कार्रवाई करें। मीटिंग की इत्तला आम लोगों को ढोल बजाकर लाउड स्पीकर के जरिए और ग्राम पंचायत दफ्तर के नोटिस बोर्ड पर नोटिस चस्पा करके या दीगर जराए से आवाम को दी जानी जरूरी है। ग्राम सभा की हर मीटिंग की सदारत उस ग्राम पंचायत के मुखिया और उसकी गैर मौजूदगी में नायब मुखिया करता है। ग्राम सभा की मीटिंग का कोरम कुल अराकिन के तादाद का 20वां हिस्सा यानी 5% के मौजूदगी से पूरा करने का इंतजाम है। अगर ये मुमकिन ना हो तो उसके बाद इजलास बुलाया जाए तो अरकान की कुल तादाद के नफ्स यानी 2.5% हाजिरी का इंतजाम है। ग्राम सभा देही हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मसाइल जैसे दहेज की निजाम, मुंशियात का इस्तेमाल, बच्चों की शादी, सफाई,
सफाई की कमी वगैरह को हल करने में अहम किरदार अदा करके गांव का चेहरा बदल सकती है और ग्राम स्वराज के ख्वाब को पूरा करने में बहुत मददगार साबित किया जा सकता है। ग्राम सभा की मीटिंगों में सिर्फ मेंबरान की फाइल शिरकत ही पंचायत राज निजाम को मजबूत बना सकती है और देही तरक्की को तहरीक दे सकती है। इसलिए ये न सिर्फ इनका हक है बल्कि इनका अव्वलीन फर्ज भी है कि वो तमाम मेंबरान की मीटिंग में शिरकत करें।